अगर आप सजावट करना चाहते हैं कोई प्रतिबंध नहीं, आप मस्जिद को सजाएं, गली को सजाएं। जी आपका नाम? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील अहमद जी, आज थाना चेकदना पालनीबा चौकी क्षेत्र में आज किस तरीके की बैठक की गई? आज देखिए बाराफात जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस उठने वाला था जी, और मरकजी यूनियन कमेटी का जो 70 साल पुराना था, ये सब जुलूस को लेकर एक कोरोना महामारी के कारण से यहाँ पे डीएम साहब के आदेश को चेतगंज प्रवीण कुमार सिंह और पंद्रीबा चौकी इंचार्ज निखिलेश यादव जी जो है मीटिंग रखा जी। अगर बात की जाए तो मतलब क्या मीटिंग में किस तरीके की परमिशन मिली है? जो दो दिन लगातार प्रोग्राम होता है, रात में नादिल पढ़ाइयाँ होती है यादव में रोड से निकल कर और सुबह जुलूस निकलता है, इन दोनों चीज़ों में क्या बदलाव, क्या तब्दीली आई है? देखिए सुबह के जुलूस का परमिशन नहीं दिया गया है, और रात के जो मरकज के जो लोग कमेटी के अंदर जो लोग जाके गायजों पर जुलूस नात पढ़ते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो नात है वो नात पढ़ी जाएगी, बजरतन सड़कों पे डाइज नहीं लगेगी। और जो गलियों में डाइज लगेगी उसमें कितनी भीड़ संख्या होगी? उसमें यहाँ उन्होंने कहा कि 15x15 का डाइज लगा लें और गलियों में मैदानों में जाके अपने मोहल्लों में जाके जो है लगा लें, और वहाँ अपने जो नात अंजुमन पहुँची है वो अंजुमन नात पढ़े। तो क्या लगता है इस गाइडलाइन से आप लोग कितना आप लोग संतुष्ट है, कितना? देखिए हम तो जिला प्रशासन और हिंदुस्तान के अंदर जो दुनिया में महामारी आई है, और बड़े बड़े जहाँ जो है जब हज नहीं हुआ और कोरोना महामारी से सब कुछ नहीं हुआ, बड़ी बड़ी ज्यारत नहीं भई दुनिया भर में, तो हिंदुस्तान के अंदर भी जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट हमको ये बता रही है कोरोना महामारी से हर लोग मरे हैं, लाखों लाख लोग मरे हैं, करोड़ों करोड़ लोग को कोरोना हुआ है, तो ऐसे में जब हमको रमजान शरीफ में हम लोग नहीं मना पाए और हमने ईद नहीं मना पाए, हम बकरा ईद नहीं मना मुहर्रम नहीं मना पाए, गाइडलाइन तो गाइडलाइन से हम संतुष्ट हैं। ऐसी जो गाइडलाइन सही है तो